कुछ डिफरेंट बनाकर खाने का। बनाया और खाया, और जब खाया तो इतना टेस्टी लगा कि सभी को बहुत पसंद आया। बल्कि इससे कई और तरह के आइडियाज़ मिले जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं शालू चौधरी स्वागत करती हूं आपका माँ के हाथ का स्वाद विद शालू चौधरी में। और आज मैंने एक स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर की है जो बनाने में बहुत ईजी है। सिंपली जो इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में अवेलेबल है, सिर्फ आप उन्हीं के साथ इसको बना सकते हैं। इसमें गार्लिक, ऑनियन कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, साथ ही सरल तरीका है बनाने का। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे कच्चा पपीता, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके छील लिया है। ये 300 ग्राम पपीता मैंने लिया है। और अब हम इसको करेंगे कद्दूकस। तो जी, कद्दूकस करने के लिए यहाँ पर जो मीडियम साइज़ का चॉपर होता है ना हमारा, उससे हमें इसको कद्दूकस करना है। क्योंकि अगर हम बारीक साइड से करेंगे तो लच्छे कोफ्ते में दिखाई नहीं देंगे, और मोटी साइड से करेंगे तो वो बाइंडिंग में परेशानी करेंगे। तो मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे। ये कोई भी सब्जी का कोफ्ता बनाने का एक प्लस पॉइंट है जो मैंने मम्मी से सीखा था, कि उसमें नमक डालकर अगर हम रख देते हैं तो वो जितना भी उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो उसको छोड़ देता है। तो इसको अब हम रख देंगे कुछ देर के लिए एक साइड। तब तक हम लेंगे एक दूसरा बाउल, जिसमें हम लेंगे दही। तो जी, दही हमें यहाँ पर यूज़ करनी है 200 से 250 ग्राम। आप 200 से 250 ग्राम तक यहाँ पर दही ले सकते हैं। साथ ही उसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार, एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच डाल देंगे इसमें हल्दी। इसी के साथ हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, जो पूरी तरह से ऑप्शनल है, और 1 छोटा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बस ध्यान रखना है कि इसमें लम्प्स बिल्कुल ना रहे, एकदम स्मूथ पेस्ट हमें यहाँ पर बना लेना है। तो पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। अब हम देखते हैं अपने पपीते को। तो ये देखिए, इसने अच्छे से मॉइस्चर छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको किसी कपड़े में डालकर तब अच्छे से निचोड़ लेंगे, या फिर हाथ से अगर आप निचोड़ सकते हैं तो इस तरीके से इसका हम पूरा पानी जो है वो निकाल देंगे, और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। ये देखिए, अब हम इसको रख लेंगे एक बाउल में। इसी तरीके से पूरा लच्छा जो है पपीते का वो मैंने निचोड़ लिया है। और इसमें अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक। तो जी, नमक मैंने लगभग 1/4 चम्मच ही यहाँ पर डाला है। साथ ही हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, हल्दी भी लगभग मैंने 2 पिंच ही इसमें डाली है। साथ ही डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच तक आप डाल सकते हैं, और चाट मसाला डाल देंगे इसमें 1/2 चम्मच। इसी के साथ अब हम डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है बेसन। तो बेसन हमें यहाँ पर केवल और केवल 3 चम्मच डालना है। 3 चम्मच से ज़्यादा बेसन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमारे कोफ्ते हैं वो हार्ड हो जाएंगे, अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेंगे, उनके अंदर जाली बिल्कुल नहीं बनेगी। और इस मिक्सचर को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसको ऐसे बना लेंगे जैसे आटा हो जाता है ना हमारा, यानी इसमें कहीं भी लम्स वगैरह, जैसे कहीं पे मसाला आने विनो वो नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। इसमें हरी मिर्च वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं वो पूरी तरह से ऑप्शनल है, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, क्योंकि हमारी जो इसकी तरी बनेगी वो ही बहुत टेस्टी बन जाएगी। तो इसलिए मैंने इसमें मसाले कम से कम यूज़ किए हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी स्पून लेंगे और उससे हम मेज़र करके थोड़ा थोड़ा सा ये मिक्सचर लेंगे, और इसकी हमें जिस शेप में भी कोफ्ते बनाने हैं वो हम बना लेंगे। तो मैंने एक कोफ्ता गोल बनाया है और दूसरा भी, और फिर इसके बाद आप चाहें तो इसको हथेली के बीच रखकर इस तरह से टिक्की टाइप की शेप भी इसको दे सकते हैं। ये देखिए, तो आप इसमें जिस तरीके से, या ओवल शेप भी अगर आप इसकी देना चाहते हैं ना, तो वो भी आप इसकी दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने जो सारे कोफ्ते बनाए हैं वो टिक्की शेप में ही बनाए हैं, और लास्ट में थोड़ा सा मिक्सचर बचा था जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि नमक बिल्कुल कोफ्ते उतारने से पहले ही डालना चाहिए, नहीं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जो इसका मिक्सचर है। तो ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। कारण वही है जो हमने स्टार्टिंग में नमक मिलाया था ना, उसकी वजह से इसका पूरा मॉइस्चर निकल गया था। अब हम इनको करते हैं डीप फ्राई। डीप फ्राई करते हुए भी आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ना तो आँच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए और ना ही तेज़। अगर आप तेज़ आँच में पकाएंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बेसन अच्छे से नहीं पकेगा। और अगर आप स्लो में इसको फ्राई करेंगे तो इसके अंदर तेल ज़्यादा चला जाएगा, यानी ज़्यादा तेल को ये अब्सॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो आँच हमें यहाँ पर मीडियम रखनी है। मीडियम आँच पर 3 से 4 मिनट आपको लगेगी इनको डीप फ्राई करने के लिए।
दूसरे, जब आप इनको कढ़ाई में छोड़ देते हैं तो एक मिनट तक आपको इनको टच नहीं करना है। जब एक मिनट हो जाए और ये हल्के से सुनहरे होने लगे कुछ इस तरीके से, तो आप इनको पलट दीजिए ताकि ये दूसरी साइड से भी सिक सके। ऐसे ही 3 से 4 मिनट लगभग आपको लगेगी। उसके बाद जब इनका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगता है, थोड़े से सुनहरे कलर के होने लगते हैं बाहर से, तो आप इनको निकाल लीजिए। इसी तरीके से सारे कोफ्ते हमें उतार लेने हैं। तो ये देखिए कोफ्ते हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं इसके लास्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हम लेंगे एक भारी तली का बर्तन। मैंने कढ़ाई ली है जिसमें डाला आधा चम्मच तेल, 1 पिंच डाला हींग। जैसे ही हींग चटकने लगे तो यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच जीरा और इसी के साथ डालेंगे 1/4 चम्मच सौंफ। सौंफ हम इसलिए डालेंगे क्योंकि इसका जो तरी में फ्लेवर आएगा ना, वो बहुत टेस्टी लगेगा आपको। और इसी के साथ अब हम डालेंगे हरी मिर्च और अदरक का 1 चम्मच पेस्ट और इसको भूनेंगे हम मीडियम आंच पर लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। और जैसे ही ये हल्का सा सुनहरा होने लगता है, कलर चेंज होने लगता है, तो यहाँ पर हम डालेंगे 2 टमाटर की प्यूरी, जो कि मैंने पहले ही बनाकर रख ली थी। मीडियम साइज़ के 2 टमाटर की प्यूरी मैंने यहाँ पर यूज़ की है और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। साथ ही इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार मैं नमक यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और 2 चुटकी भर मैंने यहाँ पर हल्दी इसमें डाल दी है। बाकी अगर आप इसमें कोई गरम मसाला या कुछ ऐसा ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसको अब हमें ढककर पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। और जब 3 से 4 मिनट हो जाती है तो हमारी जो ये प्यूरी बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे मसाले हमारे लगभग अच्छे से पक चुके हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे दही, जो कि हमने फेंट कर रखी थी मसालों के साथ, वो हम इसमें डाल देंगे। और डालकर हमें इसको तेज़ चलाना है। यहाँ पर आपको बड़ा केयरफुली काम करना है क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो दही हमारी फट भी सकती है। इस बात का हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। और जब इसमें उबाल आ जाए, तो उबाल आने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 आलू मीडियम साइज का मैश किया हुआ, जिसको हम हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे। हमें उसको कद्दूकस करके नहीं डालना है, नहीं तो उसके पीसेज इसमें साफ दिखाई देंगे। आप इसको हाथ से अच्छे से मैश कीजिए और तब डालिए, और तरी में आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आपने आलू डाला है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी बन जाएगी। और अब हम इसको ढककर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर। जब 3 से 4 मिनट हो जाती है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो तरी बनी है उसके ऊपर कितना अच्छा कलर आया है, है ना। नहीं लग रहा ना कि यहाँ पे हमने मसाले वगैरह या लहसुन और प्याज वगैरह का यूज़ किया है या नहीं किया है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। इतनी अच्छी हमारी ये ग्रेवी बनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच डाल देंगे कस्तूरी मेथी, जो इसके स्वाद को और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। और साथ ही अब हम डालेंगे इसमें पानी। तो पानी का यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसको रोटी वगैरह या नान वगैरह के साथ खाने के लिए बना रहे हैं, तो इसमें आप जितनी दही ली है उसका दुगनी मात्रा में पानी डाल दीजिए, ठीक है। और अगर आप इसको राइस वगैरह के साथ खाने वाले हैं तो आप इसमें 1.5 गुना तक भी पानी डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसे ही इसमें उबाल आने लगे तो जो हमने कोफ्ते बना कर रखे थे वो कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे और इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे वही 3 से 4 मिनट के लिए फिर से। और जब 3 से 4 मिनट हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी कोफ्ते की सब्जी बनकर तैयार हुई है वो कितनी अच्छी बनी है। वो नहीं दिखाई दे रही कि वो आपने घर पर बनाई है और बिल्कुल होटल वाला लुक। मैं तो ये कहूँगी कि शायद होटल पे भी इतनी टेस्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत टेस्टी सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए, सब्जी तो हमारी बनकर तैयार है, अब एक बार कोफ्ता भी चेक कर लेते हैं कि वो अंदर से हार्ड तो नहीं है। तो कोफ्ता मैंने ले लिया है, ये देखिए। अब हम इसको चम्मच से काट कर देखते हैं। तो ये देखिए, इजीली हमारी चम्मच इसके अंदर जा रही है। ये देखिए कितने इजीली कट गया और अंदर जा लिया, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पपीते के पीसीज हैं वो कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और सब्जी को करेंगे सर्व। तो मैं सर्व कर रही हूँ इसको चावल के साथ। आपका जिसके साथ खाने का मन करे आप बनाइए, खाइए। और रेसिपी अच्छी लगी ना, क्योंकि कम से कम लागत और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे प्याज लहसुन वगैरह हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ जीरे में बनाई गई ये सब्जी है। कोई बता भी नहीं सकता कि सिर्फ जीरे से हमने ये बनाई है। साथ ही आलू इसमें डाला या नहीं डाला उसका भी पता नहीं चल रहा। तो आप बनाइए और इसी तरह की तरी बनाकर आप और भी सब्जियों के कोफ्ते बना सकते हैं, जैसे कच्चे केले के कोफ्ते भी आप बना सकते हैं या लौकी के कोफ्तों में भी आप ये तरी यूज़ कीजिए, ठीक है। बनाइए, खाइए और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ ही आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल पर विजिट करके ऐसी ही ढेर सारी रेसिपीज़ आप देख सकते हैं जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। मैं फिर से आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।